मेरे आदमियों को मारना, मेरे घर में जाके प्रयोग करना, क्या क्या साबित करता है? तो क्या था, क्या ऐसा तो क्या था? तो ये है कि उमेश पटेल डीएनएस के कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। क्यों? वहां पर जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, ऐसा मानना है बोले पुलिस प्रशासन का, वो मुझे बता रहे थे। तो इतना सा प्रदेश जिसमें डीआईजी, तीन एसपी, डीएनएस का अलग, दमन का अलग, दमन में तो दो दो एएसपी, एएसपी, एसडीपीओ दो दो, पीआई, पीएसआई, हाँ, डगला बंद आपके पास, फौज, हम तो आरपीएफ, ये सब लाए हुए हो, तो उनमें से इतना ज्यादा डर, इतने बावजूद, इतने कर्मचारी, इतने ऑफिसर्स होने के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों से नहीं संभलेगा, तो फिर क्यों है यहां पर डीआईजी, एसपी, एएसपी, एसडीपीओ, पीआई, पीएसआई, आप लोग क्यों हो इधर? इतने सारे अधिकारी की क्या जरूरत है भाई? हाँ, हफ्ता लेने के लिए, हाँ, गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, खुद के लिए गाड़ी अलग, बीवी को घूमने के लिए गाड़ी, बच्चों को स्कूल जाने के लिए गाड़ी, सब्जियां लाने के लिए गाड़ी, रसोई बनाने के लिए नौकर, बच्चों को घुमाने के लिए नौकर, कुत्तों को घुमाने के लिए नौकर, ये सब अय्याशी करने के लिए तुम लोग हो यहां पर? लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता तो, या सिर्फ हफ्ता लेने के लिए हो यहां पर? एक उमेश पटेल की वजह से क्या होने वाला था? तो गोली मार दो ना भाई। लॉ एंड ऑर्डर इतने आदमियों से नहीं संभलता, इतने कर्मचारियों से नहीं संभलता, सिर्फ क्या गरीबों से हेलमेट, लाइसेंस, मास्क वैसे की वसूली करने के लिए, या चेक पोस्टों पे से दारू जाए तो उसके लिए हफ्ते के लिए है, या वो गाड़ी आए उसको ट्रक उसे 50-50 रुपया लेने के लिए बैठे हो? यहां पर जो रंडीबाजी चलती है, जुआ चलता है, मटका चलता है, कॉर्नर कॉर्नर पे जो बंगर वाले हैं, चिकन वाले हैं, उनसे हफ्ता लेने के लिए बैठे हैं यहां पर? वर्दी मिली है लोगों की सेवा के लिए, ऊपर से ऑर्डर है, कौन करता है? ऊपर वाला है कौन? सबसे ऊपर प्रफुल्ल भाई है। तो आप लोग क्या पब्लिक सर्वेंट हो, हाँ, या प्रफुल्ल भाई के नौकर हो, या प्रफुल्ल पटेल के गुलाम हो, हाँ, क्या हो आप लोग? पब्लिक सर्वेंट हो तो प्रजा की सोचनी चाहिए, क्या प्रफुल्ल पटेल के गुलाम हो? पगार आपको प्रफुल्ल पटेल की गुलामी के लिए नहीं मिलता है, याद रखिए। मैं ये बेचारे वो हमारे हवलदार जमादार उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, वो तो बहुत बेचारे बहुत परेशान है। हमारे पुलिस कर्मी जो है वो सबसे ज्यादा त्राहित है दमन दीव और दादरा नगर हवेली में, इतनी सारी समस्या है उनको बेचारे को, ना सही में शांति से खाना खा सकते, ना पब्लिक लाइफ है। ये अधिकारियों की बात कर रहा हूं, आईएएस आईपीएसों की और कुछ नालायकों की, ये जय जैसे हमारे कुछ नालायक हमारे समाज के लोग हैं, इन जैसे कर्म उनके अधिकारियों की बात कर रहा हूं। गरीब, अरे वो कड़िया में कोई मर गया, वो उमियत में गया, वहां पर 500-500 1000-1000 रुपया का वो चलन फाड़ रहे मास्क का, कोई मानवता की चीज है कि नहीं है? गुंडागिरी, कल बोले दमन में जिसने बंद किया था उन दुकान वालों को डिश बना के रखो, मतलब क्या है? पुलिस की वर्दी मिली तो गुंडागिरी करोगे, दादागिरी करोगे, धमकाओगे? पुलिस लोगों की सेवा के लिए है, सहूलत के लिए है, सलामती के लिए है, धमकाने के लिए नहीं है। ये वर्दी जो है ये लोगों की सेवा के लिए मिली है, जिसकी आप लोगों को तनख्वाह मिलती है, जिसकी पगार मिलती है। ये अधिकारियों की जो अय्याशी, ऐश, आराम, शौकत, गाड़ी, बंगला, पौरा, चौकर, ये सब जो है वो प्रफुल्ल पटेल नहीं देता, ये हम जैसे लोग, हमारे गरीब जनता, हाउस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स जो भरती है उनसे मिलता है, और आप लोगों की सैलरी भी उसलिए मिलती है। अगर पेट नहीं भरता है उस सैलरी में तो जॉब छोड़ दीजिए, काम धंधा कीजिए, समझ गए? अगर
पुलिस की ईमानदारी की नौकरी में अगर आपका पेट नहीं भर रहा है और ये प्रफुल्ल भाई पटेल वगैरह उसे हफ्ता ही खाना है तो फिर ये नौकरी छोड़कर काम धंधा कीजिए, और नहीं तो फिर एक एक आदमी रखिए मंदिर और मस्जिद वगैरह पर भीख मांगने के लिए। पुलिस वाले क्या सर दूध के दो ले रहे क्या? हाँ मैं नहीं जानता पुलिस वालों के सब कारनामे, कौन कहां कहां से हफ्ता लेता है, सबको सब पता है कौन क्या क्या है। वो ये भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, ये गीता है इसलिए मैंने आज रखी है कि तुम जैसा चोर नहीं हूं मैं हफ्ता नहीं लेता किसी से एक रुपया का, ईमानदारी से जीता हूं, ईमानदारी से हफ्ता खोर लोग चोर चमार ईमानदार लोगों के घर जाके आदमियों को परेशान करोगे। ये रसीद हेलमेट मास्क उसकी रसीद देखा अभी मुझे पता चला है, जानकारी मिली है, वो रसीदें भी संभाल के रखना पैसा, क्योंकि अब मैं उसकी अटैक करने वाला हूं। वो रसीद वो सब पैसे जाते कहां वो देखना चाहता हूं। हर रोज हेलमेट का ये इसका उसका मास्क का ये कितनी फटी है और कितना पैसा, गरीब को तो किसी को छोड़ दे नहीं है। और क्या मैं पुलिस वाले को दोस्त अधिकारियों के जिनको पूछना चाहता हूं मैं, अधिकारियों जो हर बार वो मास्क वगैरह फाड़ते रहते हैं ना गरीब के, उनको पूछना चाहता क्या तुम्हारी अपनी माता बहने आपके बने हुई बहन काका काकी वो सब मास्क पहन के ही निकलते हैं, वो हेलमेट पहन के ही निकलते हैं? इतना ही है वो है तो अपने जो कर्मचारी है बेचारे पुलिस के जिनको रहने के लिए बेचारों को क्वार्टर्स नहीं है, अलाउंसेस नहीं मिलते, साल में एक छुट्टी नहीं मिलती, बेचारे तीन तीन दिन तक ड्यूटी करते हैं, उनके लिए सोचो, उनके लिए पॉलिसी बनाओ, कम से कम वीक में एक छुट्टी तो मिले इन पुलिस कर्मियों को बेचारों को। आप लोग तो हफ्ता भर के पेट भर ले तो उनका गरीब होगा तो बेचारे का सोचो। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अरे हद हो जाती है। अभी जो नए रूल्स आया हेलमेट के मास्क के या लाइसेंस के जो दंड बढ़ा है उसका फायदा सबसे ज्यादा ये पुलिस कर्मी ही उठा रहे हैं। बोले इसका 1000 रुपया होगा इसका इतना होगा, 500-500 दे दो नहीं तो हम लोग को ये केस करेंगे तो इतना जाएगा। दरोड़ा में उस दिन बोले मेरे मुझे बोलने आए तीन लोग, अभी अभी एक आदमी बता के गए मुझे, बोले कि हाँ आए पुलिस वाले 300-500 रुपये तीनों से लिया 1500, बोले आपका हो गया चले, ऐसे लूटने का काम धंधा कर दिया नहीं उसने। अब बहुत हो गया ये, पहले प्रशासक का काम यहाँ से इसको बुढ़िया पिस्तर बंधवाते हैं, फिर मैं आप लोगों के पीछे ही हूँ, आप लोग मेरे पीछे बहुत दौड़े हैं, अब मैं आपके पीछे दौड़ने वाला हूँ। देखना मुझे कि पुलिस दमन दीव और दादरा नगर हवेली की पुलिस कितनी नेक है कितनी सच्ची है और ये अधिकारी कितने दूध के दूल्हे हैं वो मैं दिखाऊंगा। अभी अभी मैंने प्रतिज्ञा ले ली है, ये भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि अब रियायत नहीं, बिल्कुल रियायत नहीं, अब मुझे जीने का भी कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे किस जेल में ही रखना या इनकाउंटर करके गोली मार देना। अब जितना दूध के दूल्हे लोग हैं वो मैं लोगों को दिखाऊंगा, कितने दूध के दूल्हे हुई है दमन दीव दादरा नगर हवेली की पुलिस वो मैं सब दिखाऊंगा। पहले ये प्रशासक का काम यहां से बोलिया बिस्तर बंधवाते हैं फिर। और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं ये भगवान की कसम खा के कि ऐसे पुलिस और ऐसे एसपी और ऐसे आईजी और ऐसे डीआईजी और एसडीपीओ तो बहुत आके गए 27 साल में, 22 साल से मैं आ रहा हूं जा रहा हूं आंदोलन कर रहा हूं, 22 साल में बहुत देखे क्या उखाड़ लिया मेरा, जो इंसान मरने मार तो मैंने इतना खाया है कि मेरे पूरे शरीर में लोखन ही लोखन है, मुझे मत डराना, ये डरने वाला इंसान नहीं है उमेश पटेल, ये पुलिस या दादागिरी या गुंडागिरी मुझ पे नहीं अपमाना। अब बहुत हो गया है, ये बहुत सह लिया मैंने,
लोगों को तो देख लेना। मैं सोचता था कुछ पुलिस वाले निकम्मे नालायक रहते थे जो लोगों पे शोषण करते थे, उनके घर में जाता था, किसी की वो नहीं करता। भगवान, ऐसा दुश्मनों के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं सोचता था कि यार इतना तकलीफ क्यों है, बच्चे अपंग है, विकलांग है, ये किसकी बीवी को ये तकलीफ, उसको वही तकलीफ है। अगर ये कर्म, ऐसे कर्म करते हैं, लोगों की हाय लेते हैं, इसीलिए ऐसा स्थिति होती है परिवारों की। ये अधिकारियों को भी पाप तो ऐसा लगने वाला है कि भुगतेंगे ऐसे, मौत मांगेंगे पर मौत नहीं मिलेगी, कि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। अभी अभी मोहन भाई का ये इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें एसपी शरद धराड़े का नाम, एसडीपीओ मनस्वी जैन का नाम, जिसपे एफआईआर दर्ज हो गई, फिर भी सबक नहीं लेते लोग, अभी भी उतने ही निष्ठा पर है। ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है, और तुम्हारा बाप तो निकल जाएगा कल को। ऐसे ही ऑर्डर हमारे दिनेश वाजा जी फॉलो करने गए थे सीओपी का, वो सस्पेंड बेचारे निष्कासित हो गया, अब घर पे बैठे हैं। एक अच्छा पुलिस अधिकारी घर पे बैठा है, वो भी ऑर्डर ही फॉलो करने में गया था। इतनी इतनी बर्बरता, इतनी निष्ठा। अरे वो दुकान खुलवाने के लिए पुलिस धमकी दे रही। ये दमन के इतिहास में पहली बार हुआ कि दमन बंद कराने के लिए नहीं, दमन खुलवाने के लिए धमकी मिल रही है, दुकान खोलने के लिए धमकी मिल रही है। और एक एक मजे की बात बताता हूं, ये आम जनता के साथ ही नहीं हुआ, पुलिस के फैमिली वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ दमन खुलवाने के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा, लेडी पीएसआई है हमारे दमन की, जिसकी सास की शॉप है बाजार में, तो वो भी बंद रही होगी क्योंकि सबका एसोसिएशन चलता है, एसोसिएशन ने मना किया होगा, तो उसकी सासों ने भी दुकान नहीं खोली। वो पीएसआई को धमकाया गया, डराया गया, वो पीएसआई बिचारी रो रही है वहां, यादव नगर हवेली में ड्यूटी कर रही है, वहां से दूसरे सहकर्मी को फोन करके रो रही है कि देखो ना वो ऐसा ऐसा कर रहा है, मैं अपनी सास को कैसे बोलूं, मैंने अपनी सास को बोला कि बंदर खुल दो दुकान, तो मेरी सास कह रही है कि मुझे भी तो लोगों का जीना है, तो पर्सनल लाइफ में उसके उसको धमका कर वो दुकान खुलवाई, दुकान खुलवा के उसके पति को बुलवाया, उसकी माँ से दुकान खुलवाई, दुकान खुलवाने के बाद फोटो भिजवाए, फोटो उन्होंने यहाँ आए वो अधिकारी वो पुलिसकर्मी ने वो एसएचओ ने वो फोटो वापस दिया जी को, एसपी को, ऊपरी अधिकारी को भेजा कि भाई उसके घर का दुकान खुल गया, तब वो बिचारी का शांति हुई। इस प्रकार की दादागिरी तो पुलिस क्या है मुझे समझ में नहीं आया। पुलिस बनने से पहले, ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आप लोगों ने क्या शपथ ली थी कि हम ऊपरी अधिकारियों का ऑर्डर ही मानेंगे, हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि प्रजा जनता मर जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए, तैमाम हो जाए, पर हम ऊपरी अधिकारी का ही ऑर्डर मानेंगे। संविधान, देश, प्रदेश सब मिट जाए मगर हमें सैलरी मिले, हमारा घर बार चले, हमें हफ्ता मिले, ऐसी प्रतिज्ञा ले थी, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हो आप लोग। शर्म आती है मुझे।